को तरह तरह का हम लोगों को गाली देने का प्रयास किया, हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन आप जो आवाम है, जो जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं, और जब जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं तो आपको देखना है कौन कब से लड़ रहा है और कितने मजबूती के साथ लड़ रहा है। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी, हो या कहीं भी दंगा फसाद हो जाता था तो डीएम बाद में पहुंचते थे यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के, उस जगह मुख्यमंत्री पहुंच जाया करते थे और माहौल को अपने हाथ में लेते थे कंट्रोल। तो ये दौर भी लोगों ने देखा है, जो पूर्व में हमारे पिता के साथ जो लोग रहे हैं, जो अभी भी हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि क्या माहौल है। अब 2014 से आप देखिएगा, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार देश में नफरत फैलाया जा रहा है, खास तौर पे मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, सिखों के प्रति नफरत फैलाया। किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, जो पंजाब के लोग ये खालिस्तानी, मुसलमान भाई अपने अधिकार के लिए लड़ते तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, देश से भगाने की बात कर दी जाती है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन समूह के लोगों के साथ भी होता है। लगातार ऐसे बिल लाए गए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आपका सीए हो, एनआरसी हो, धारा 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही थी, या आपका आप देखिएगा अभी जो माहौल जो बना हुआ है, वक्त बोर्ड को ख़त्म करने की, आप लोगों के ज़मीन को समाप्त करने की एक बिल लाया गया, तो लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात नहीं हो रही। ये जो एनडीए की सरकार है, केवल नफरत वाले जो बिल हैं, जो गैर संवैधानिक जो बिल हैं, वो लाने का काम कर रही है। लेकिन हमारे दल ने, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी हमारे दल की संख्या रही हो, हम लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, इन सारे गैर संवैधानिक बिलों का हम लोगों ने विरोध किया। और ये जब वक्त बोर्ड का जब बिल लाया जा रहा था, तभी राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने, हम लोगों ने साफ तौर पे अपने सांसदों को कह दिया कि भाई जितने हमारे सांसद हैं कि किसी भी कीमत पे ये बिल जो है पास नहीं होना चाहिए, आप संसद में लड़िए। और हमारे सांसदों ने मजबूती के साथ दोनों सदनों में इस बिल के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी, और आज इतनी ताकत है विपक्ष में, जो आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के कृपा आशीर्वाद से संख्या बढ़ी है, मजबूत हुई है। पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई चीज़ जीपीसी कमेटी में भेजा जा रहा है। क्या क्या माहौल, क्या क्या नहीं बोला गया, आप लोगों को कितना प्रताड़ना झेलना पड़ा, ये बात हम लोग सब लोग समझते हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति नहीं, लेकिन लालू जी ने सत्ता के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, कभी भी भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं किया। चाहे केस मुकदमा हो, जेल हो, हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा हो, हर दिन ईडी सीबीआई अपना काम जो है आंकड़ों के कहने पे वो करता रहता, हम तो कहते थे भाई मेरे घर ही दफ्तर खोल देखते रहो क्या करते हैं नहीं करते। लेकिन कितना भी किया गया, लेकिन हम लोग झुके नहीं, डरे नहीं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि नीतीश कुमार जी, हम सब लोग मिलकर के महागठबंधन बनाए, महागठबंधन ही नहीं, इंडिया अलायंस बनाए,
और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को केंद्र में नहीं बनने देना। लेकिन नीतीश जी ने सही मौके पर हम लोगों को धोखा दिया, हम लोगों को नहीं बल्कि देश के लोगों को धोखा दिया। और उधर चले गए, गए तो गए, उनकी मर्जी है भाई, जहां जाना है जाए, लेकिन हम लोगों का तो इरादा साफ था, पाक था। हम लोग तो चाहते थे कि भाई हटे, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, झारखंड में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में विपक्ष की सरकार को गिराया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, एमएलए एमपी खरीदे जा रहे थे, नेताओं को ईडी सीबीआई के गर्दन डाले जा रहे थे, तो एक मौका था हमारे पास कि बीजेपी को बिहार में हम लोग सबक सिखाए। पहले भी नीतीश जी ने धोखा दिया था 17 में, लेकिन उसको जानते हुए भी फिर भी हम लोगों ने एक ही मकसद के लिए हम लोगों ने अपनाया कि केंद्र में किसी भी प्रकार से भाजपा की सरकार ना हो। लेकिन वो उधर चले, जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही 2004 मार्च तक, तब तक भाजपा सबसे कमजोर था बिहार में, आरएसएस सबसे ज्यादा कमजोर था। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, भाजपा मजबूत हुई और आरएसएस मजबूत हुई। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी आरएसएस वालों की कि बिहार में आने और दंगा फसाद कराने की कोशिश करें, लेकिन आज के दौर में आप देखिए किस प्रकार से जो है मजबूत हो रहा। हमको कुछ कहना नहीं, आप सब लोग होशियार हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है। हम बस आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब लालू जी नहीं डरे सांप्रदायिक शक्तियों से, तो उनका लड़का भी डरने वाला नहीं। आपके नाम, आपके अधिकार, आपके सम्मान के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम डगमगाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, निडरता से आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। चार चार लोग सीटें हमारे, तो चार गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोग विधानसभा में, और हम लोग काम करेंगे। हम जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी तीन तीन हम लोग के मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्री रहे। अभी भी हम लोगों ने जब कमिटी जो हम लोग का जो बना था आयोग में लगभग 28-30 हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यक थे उनको हम लोगों ने मेंबर बनाया। और आगे तो आने वाले विधानसभा में हम सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों की उचित भागीदारी सुनिश्चित हम करने का काम। तो ये चिंता जो है ये हम पर छोड़ दीजिए, और ये भरोसा आप लोग कीजिए कि उचित भागीदारी आप लोगों को दिलाने का काम आने वाले विधानसभा में तेजस्वी करेगा। इसके लिए आप सब लोगों से यही कहेंगे, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, सब लोग जो है मेहनत करने की जरूरत है। अभी तरह तरह का लोग राजनीति में आना भी चाहिए, चलो ठीक है, अधिकार है लोकतंत्र में सब लोगों को आने का जाने का। अब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे ऐसा आइडिया लेकर के आया जा रहा है जहाँ खरीदने की कोशिश की जा रही है, पैसे पर अब राजनीति शुरू होने जा रहा है, वरना इतना दे दो, उतना दे दो, इतना ले लो, बिजनेस डील किया जाए। कोई विचारधारा को पता, बिना विचार के क्या राजनीति हो सकती है? बिना साफ नियत के, विचार के क्या राजनीति की जा सकती है? हम तुमको बना देंगे, तुम बन जाओगे, इतना तो महादेव भी नहीं कहते थे। सावन चल रहा है, ये तो वही बात है कि सबको बनाने वाली बात। अरे बनेगा तो 243 ही ना बनेगा,
और चुनाव लड़ने वाला कितना लाखों में मिलेगा, कितना को बनाओगे? ये सब केवल भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। अब आप सोचो आपकी लड़ाई कितनी बड़ी ताकतों से है, बिहार सरकार, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार का कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट, पूंजीपति, बीजेपी मानसिकता वाली मीडिया लोग, अधिकारी लोग, सब लोग हैं और आपके साथ कौन है? लोग बोलते हैं तेजस्वी लालू जी के साथ कौन है, तो आप ही ना असली ताकत है, आप लोग हैं ताकत। अगर आप लोगों का ताकत आशीर्वाद लालू जी को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, तो हम लोग खड़े रह पाओ? ये केवल ताकत आप लोगों ने देने का काम किया। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।